हेलो गाइस, वेलकम टू आर्टोग्राफी स्टूडियो। आज हम लोग आपको नाइफ पेंटिंग सिखाने वाले हैं कि नाइफ से पेंटिंग कैसे बनाएं। घर वाला नाइफ नहीं, चाकू नहीं, बेसिकली ये पेंटिंग्स में एक टर्म होती है नाइफ, तो उस नाइफ से आप कैसे पेंटिंग बना सकते हैं उस चीज़ को लेके हम लोग आज सेशन कर रहे हैं। तो देख सकते हैं आप लोग, एक पोर्ट्रेट जो है हम लोग शुरू कर रहे हैं। बेसिकली इसमें मोटे स्ट्रोक्स लगाने होते हैं, कलर्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं इसमें, डिफरेंट साइज़ के स्पैचुलाज हैं हमारे पास जिसको हम यूज़ कर रहे हैं। तो देख सकते हैं आप लोग, कलर्स को इसमें मिक्सिंग करनी है तो पैलेट में मिक्स करें और उठा के इसको फेस पे लगाएं। ड्राइंग आप किसी भी उस पर कर सकते हैं। तो मटेरियल मैं आप लोगों को बता दूं, हमने कलर्स लिए हैं कैमल के, आर्टिस्ट एक्रेलिक कलर्स, और कैनवस है, फिर स्पैचुला है, स्पैचुला भी बेसिकली कैमल के ही है, कैमलिन के। और इसके बाद अब इस पे आर्टवर्क है, एक पोर्ट्रेट लिया है हमने इंडियन साधु, और उसको स्पैचुला से हम कैसे कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा आपको डिटेल्स पे नहीं जाना होता है इसमें, इसमें बेसिकली पैचेस देखने हैं और मोटे मोटे स्ट्रोक्स को लगाना है इसमें। बाकी आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं, आपको कुछ पूछना है या समझना है तो। यस, हाय वेदिका, हाउ आर यू? यस हाय वेदिका, वी आर गुड। होपफुली आप सभी लोग अपने घर पे सेफ होंगे, बढ़िया होंगे। आप में से पहले कभी किसी ने नाइफ पेंटिंग किया है? आप हमें बताएं जरा। रवि कुमार, आर्ट ब्लॉग। हेलो हेलो रवि, तो आज हम लोग फुल यूट्यूब पे ही लाइव हैं। ओके वेदिका, आप अपने हाउस, आउटसाइड ऑफ द हाउस, तो क्या मतलब आपको घर में नहीं घुसने दे रहे या क्या है? राइट, तो मुझे आप लोग ये बताएं, नाइफ पेंटिंग आप में से कितने लोगों ने पहले ट्राई करी है, और ट्राई करा है तो उसमें क्या बनाया है आप लोगों ने? मैं इसका एक क्लोजर और वाइड दोनों व्यू आपको देता हूँ सर। ये इसका थोड़ा जूम आउट वर्जन है और इसको हम क्लोजअप पे चलते हैं। थोड़ा सा मैं ऊपर एडजस्ट करता हूँ। इधर आप देख सकते हैं कि स्ट्रोक्स को कैसे लगाया जा रहा है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, आप लोग यहाँ तक आए और हमारे आर्टवर्क को आप देख रहे हैं बनता हुआ। एंजॉयिंग ऑफ माय संडे विद माय फैमिली, वेरी गुड। तो कलर्स का आप टेक्सचर देख रहे हैं, काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में हमें कलर्स को लगाना होता है इसमें। और टोन्स देखो, इसमें आप कैसे कैसे टोन्स दिख रहे हैं, कैसे शेड्स नज़र आ रहे हैं, उस तरीके से आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली लाइट टोन्स हैं, डार्क टोन्स हैं, इनको आप फिल करते जाओ इसमें। तो ये सेशन जो है हमारा पूरा थोड़ा सा बड़ा ही रहता है। यस, और या आई हैव डन नाइफ पेंटिंग, आई मेड नेचुरल सीन। ओके दैट इज ग्रेट। काव्या, आप नाइफ पेंटिंग में अपने
कोई लैंडस्केप बनाया है और वो भी लाइव है, तो बहुत अच्छी बात है। तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम कभी आई नाइफ पेंटिंग करते हुए, कि नाइफ पेंटिंग आपने बनाया हो और आपको लगा हो कि यार ये क्या है, ये तो बन ही नहीं रहा? क्योंकि काफ़ी लोगों को इसमें प्रॉब्लम होती है। जहाँ मैंने ऐसा देखा है कि जो स्टूडेंट्स रियलिस्टिक वर्क करते हैं उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है नाइफ पेंटिंग करने में। तो देखो, नाइफ पेंटिंग का मोटिव यही है कि आप लोग अपने काम को बोल्डली करें। आपको बहुत ज़्यादा मिक्सिंग करने की ज़रूरत नहीं है, कर कि कलर को आप ब्लेंड कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं। आपको मोटे मोटे स्ट्रोक्स लगाओ, इसमें आप अपने आर्टवर्क को इस तरीके से देखो कि उसमें एक बेसिकली आपके आर्टवर्क का एक इम्प्रेशन होना चाहिए। और जस्ट एक इम्प्रेशन, उसको अगर हम दूर से देखते हैं तो आपको उसकी डिटेल काफ़ी क्लियर लगेगी, लेकिन जब आप उसको पास से देखेंगे तो वो लगेगा अरे ये क्या है, ये तो काफ़ी मोटे मोटे पैचेस लगे हैं, कलर के स्ट्रोक्स लगे हुए हैं, तो इस तरीके से वो नज़र आता है। तो बट इसकी खासियत यही है, अच्छी बात भी इसकी यही है। यस, इज दिस ऑल्सो कॉल्ड इम्पेस्टो पेंटिंग? इम्पेस्टो भी कह सकते हैं, प्लस इसको स्पैटुला पेंटिंग भी बोलते हैं। इम्पेस्टो इसमें पूरा मोटे मोटे स्ट्रोक्स लगते हैं, तो यस वी कैन से वेदिका नो प्रॉब्लम इन नाइफ पेंटिंग। ऑल राइट, तो नाइफ पेंटिंग से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बहुत अच्छी बात है। और आप लोगों का कैसा एक्सपीरियंस रहा है नाइफ पेंटिंग को लेके? नाइफ पेंटिंग जब भी आपने बनाया तो क्या आसानी से बन गया? तो इस पे जनरली तो देखो एक्रेलिक कलर है, ओपेक तरीके से चलता है। तो हमें क्या करना होता है कि फर्स्ट डार्क कलर्स को अप्लाई करें और उसके बाद उसके ऊपर धीरे धीरे लाइट कलर्स यूज़ करते हैं हम लोग हाइलाइट्स के लिए। राइट, एक बार मैं आपको पैलेट की तरफ भी दिखा देता हूँ कि पैलेट कैसा है। ये पैलेट पे कलर्स को किस तरीके से मिक्स किया जा रहा है, थोड़ा कैमरा डाउनवर्ड करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं। तो बेसिकली ये आपका कलर पैलेट है और किस तरीके से कलर्स को मिक्स किया जा रहा है। राइट, मैं इसके नॉर्मल फोटोग्राफ ही ले लेता हूँ, काफी अच्छा व्यू लग रहा है, तो हम इसको आगे यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली ये ऐसे यूज किया जाता है। दोबारा ऊपर ले चलता हूँ आपको। आप अपने आर्टवर्क को जब देखते हैं तो खास तौर पे जब नाइफ से आप लोग काम करते हैं तो अपने आर्टवर्क को ऐसे देखो कि
आप अपनी आईज को ऑलमोस्ट क्लोज करो और फिर आप देखो कि आपको क्या नजर आ रहा है, यानी कि आपकी आपको अपनी आंखों को ऑलमोस्ट बंद कर देना है, बहुत थोड़ा सा स्लाइटली ओपन रखो और फिर देखो कि आपको अपने आर्टवर्क में, अपने रेफरेंस में कितनी डिटेल नजर आ रही है, राइट। और आप अपने रेफरेंस को आईज हाफ क्लोज करके जब देखेंगे तो आपको आपकी डिटेल बहुत कम नजर आएगी और आपको काफी आसान हो जाएगा इस तरीके से कहाँ कौन सा कलर लगाना है, कितनी दूर तक लगाना है, क्योंकि ऐसा करने से डिटेल जो डिस्टर्ब करता है आपको वो खत्म हो जाएगा, मतलब वो आपके डो डिस्ट्रैक्ट करता है, उससे आप पीछे हट जाएंगे, उससे आपकी परेशानी कम हो जाएगी, क्योंकि इसमें डिटेल नहीं बनाना होता, डिटेल नहीं देखना है, राइट। तो वेदिका, नो प्रॉब्लम इफ नाइफ सर, वी कैन डू नाइफ पेंटिंग ऑन क्लोथ्स। देखो नाइफ पेंटिंग, क्योंकि मोटे मोटे स्ट्रोक्स लगते हैं और इसको क्लॉथ पे करो, लेकिन क्लॉथ फिर आपका किसी वुड पे पेस्टेड हो या फिर कैनवस पे जो वुडन फ्रेम होता है उस पे स्ट्रेच्ड हो, तो उसी पे ही आपको करना चाहिए, अदरवाइज वो पील ऑफ हो जाएगा। कैनवस भी एक तरह का क्लॉथ ही होता है और इसको हम स्ट्रेच करके फिर काम करते हैं। अब क्योंकि मोटी लेयर होगी तो इसके पील ऑफ होने के भी चांसेस होते हैं बहुत, तो उसको थोड़ा सावधानी से आप लोग थोड़े हार्ड सरफेस पे यूज़ करें, जो सरफेस मुड़े नहीं, कभी भी इम्पेस्टो काइंड ऑफ जो काम होता है उसको आप फ्लैट सरफेस पे ही करें। ऐसा सरफेस ना इस्तेमाल करें जो कि मुड़ जाता है या कर्व हो जाता है, वो बिल्कुल भी ना करें, राइट। अब इसमें साइजेस भी काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं स्पैचुला के, डिपेंड करता है कि आपको कौन से छोटे एरियाज़ में काम करना है, बड़े एरियाज़ में काम करना है। मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ कि किस तरीके से स्पैचुला होते हैं। ये है बेसिकली, ये आप देख सकते हैं, ये तीन तरह के स्पैचुलाज हैं जो यहाँ पे दिख रहे हैं। इनके आगे से जो फेस है वो काफ़ी अलग अलग है, जैसा जहाँ पे यूज करना हो, ये पॉइंटेड है, थोड़े ये फ्लैट है, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको इस्तेमाल करें। सर, आप कौन सी शीट पर वर्क कर रहे हैं? सुमन, हम लोग कैनवस पे काम कर रहे हैं, दिस इज अ कैनवस जो कि है 12x18 इंचेस का साइज है कैनवस का, उस पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो आप लोगों को भी कैनवस पे ही करना चाहिए काम, या फिर कैनवस बोर्ड पे करना चाहिए, या फिर जो वुडन बोर्ड होता है कोई भी उस पे आप कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी ऐसा सरफेस ना लें जो कि कर्व होता हो, मुड़ता हो, वैसा सरफेस ना लें, क्योंकि हैवी भी हो जाता है। आप जितना काम इस पे करते जाएंगे, जितनी लेयर्स आप इस पे चढ़ाते जाएंगे, तो कलर्स की मोटी और थिक जो लेयर्स होती हैं वो इम्प्लीमेंट हो जाती हैं, जिससे कि उसका वेट भी काफ़ी बढ़ जाता है, तो आपको वो भी सोचना पड़ेगा इसके बारे में। ओके सर, आई वॉन्ट टू डू नाइफ पेंटिंग ऑन पिलो कवर। पिलो कवर पे मत करो नाइफ पेंटिंग, पिलो कवर पे आपके सर पे चुभेगा वो तो काफ़ी हार्ड सरफेस होगा ये और चुभने भी लगेगा, तो पिलो पे आप नाइफ पेंटिंग मत करो और नाइफ भी मत लगाना पिलो पे ये कितने टाइम लेता है ड्राई होने के लिए? देखो, एक्रेलिक करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, हो सकता है कि ये 2 घंटे में सूख जाए बहुत अच्छे से, क्योंकि मोटी लेयर होगी तो 2 घंटा में, सेफ साइड के लिए कह रहा हूँ। और ऑयल पेंटिंग होगा तो वो तो और ज़्यादा समय लेगा, पहले ऑयल कलर से लोग करते थे इस पे काम, लेकिन अब एक्रेलिक आ गया तो एक्रेलिक से ही आपको कर लेना चाहिए, क्योंकि एक्रेलिक बहुत ही ऑयल के कंपैरेटिवली तो बहुत जल्दी सूख जाता है, राइट।
तो बैकग्राउंड में हमने एक फ्लैट, एक डार्क फिलहाल कर रहे हैं, बाद में देखते हैं इस पे हम लोग और कलर्स को इम्प्लीमेंट कर लेंगे। तो स्पैचुला वर्क में आपको काफी पेशेंस, बहुत ज्यादा पेशेंस रखने की जरूरत नहीं है। जिसको डिटेल में काम करने का मन नहीं करता है वो आप स्पैचुला में काम कर सकते हैं, लेकिन स्पैचुला में भी डिटेल की प्रॉपर फीलिंग आती है कि आपकी ऑब्जर्वेशन, आपकी स्टडी कितनी स्ट्रांग हो रखी है, उसके हिसाब से आप लोग इस पे काम करते हैं। आप में से कोई हमारे साथ नया पर्सन जुड़ा है हमारे बीच में, कोई भी? आप हमें मैसेज कर सकते हैं, इसी पे कमेंट कर सकते हैं कि जो भी पर्सन हमारे साथ नया जुड़ा होगा। राइट, ऑलराइट। तो रवि कुमार मी आर्ट ब्लॉग, हाय रवि। यस, तो आप भी आर्टिस्ट हैं रवि? वैसे आपके नाम से व्लॉग, आप काफी वीडियो व्लॉग्स बनाते रहते होंगे इसमें। लिटिल जीनियस भी? यस सर, ये नए लोग हैं। तो लिटिल जीनियस मुझे लग रहा है कि आर्टिस्ट कोई छोटे बच्चे, छोटा बच्चा होगा। ओके, ऑलराइट। तो किस तरह का काम करते हैं रवि आप? ऑलरेडी आर्टिस्ट हैं, एस्टेब्लिश्ड आर्टिस्ट हैं, या फिर एज अ बिगिनर हैं, अभी सीख रहे हैं, या थोड़ा सा बताएं अपने बारे में, जानना चाहेंगे। अदिति, इज दिस, हाय, दिस इज अदिति, आई फॉलो आर्टोग्राफी। ओके, हाय अदिति, थैंक यू। आप हमारे इस YouTube चैनल को भी आपने सब्सक्राइब किया हुआ है? Which acrylic color are you using now? Yes, Kavya, we are using camel के acrylic colors हैं, वो हम use कर रहे हैं, artist acrylic colors। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि कौन से colors हैं। Basically this is cube, right? इसको हम focus करें, तो दूर से दिखा देंगे, ये है basically, this is। तो ये एक्रिलिक कलर है, आर्टिस्ट कैमल के एक्रिलिक कलर, बड़ी ट्यूब्स हैं जिनको हम लोग यूज कर रहे हैं। पेंसिल स्केचिंग, ऑलराइट, दैट इज ग्रेट। हमने पेंसिल पे भी काफी सेशंस दिए हैं, और आज सुबह ही हमने एक चारकोल का सेशन अपलोड किया था, आप में से किसी ने देखा उसको? तो हमने बेसिकली ऑनलाइन क्लास थी हमारी, तो उस पर हमने देखा कि उतने जो वीडियो है उसका एक समराइज हम लोग आप लोगों तक दिखा सकते हैं। काफी फास्ट उस पर करा है, 10 सेशन का आर्टवर्क था वो। अब देख रहे हैं आप, थोड़ा सा लुक एंड फील आ रहा है इसमें कि कैसे आप लोग कर सकते हैं, और इसमें काफी जल्दी आप काम कर सकते हैं। वेदिका, आई हैव सीन दैट सर, थैंक यू वेदिका। यस, आपका कमेंट भी आ गया था उस पे। थैंक्स अ लॉट। तो आप लोगों में से हमारे साथ इंस्टा पे कौन जुड़ा हुआ है? और मैं थोड़ा सा फीडबैक लेना चाह रहा था आप लोगों से कि इंस्टा पे जो हमने लाइव किया था वो ठीक लग रहा था, या फिर अभी जो आप यूट्यूब पे लाइव देख रहे हैं ये आपको बेटर लग रहा है? इन दोनों में से अगर कंपैरिजन करें तो विच वन इज बेटर? ओके, सत्यम करपे आर्ट से, हाय सर। कलर, वाइट कलर हेयर पेंसिल से कैसे ड्रॉ करें प्लीज नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बताएं। तो वाइट हेयर जो है पेंसिल कलर में आप जानना चाह रहे हैं या पेंसिल शेडिंग में?
सत्यम आप प्लीज एक बार इसमें मेंशन करें पेंसिल दिस पेंसिल कलर और पेंसिल शेडिंग। अदिति चटर्जी नो यस। पहले मैं एक बार बी प्रोग्रेसिव सर, जब हम एक्रेलिक पेंटिंग करते हैं कैनवस पर तो उसे वाटर ऐड करते हैं या कुछ और ऐड करते हैं? तो बी प्रोग्रेसिव, जब हम एक्रेलिक कलर करते हैं तो अगर कलर को पतला करने के लिए हमें कुछ यूज़ करना पड़ता है तो वो हम पानी का ही इस्तेमाल करते हैं। आप लोग वैसे ट्राई कर सकते हैं दूसरी चीज़ भी वैसे पानी से ही इस पे काम चलता है। और दूसरा ये सर, डू यू यूज़ एक्रेलिक रिटार्डर व्हेन पेंटिंग? तो अदिति हम लोग इसमें रिटार्डर नहीं यूज़ कर रहे हैं, ना हम इसमें कर रहे हैं, ना ही अभी तक हमने किसी आर्टवर्क को बनाते हुए रिटार्डर यूज़ किया है। ऑल दो रिटार्डर का इस्तेमाल होता है, तो जो लोगों को आप में से किसी को अगर रिटार्डर नहीं पता तो रिटार्डर एक ऐसा ऐसा ग्लू है या ऐसा लिक्विड है जिसको हम एक्रेलिक कलर्स के साथ मिक्स करके जब चलाते हैं तो वो उसके सूखने के टाइम को एक्सटेंड कर देता है। तो वो बहुत जल्दी नहीं सूखता, थोड़ा सा टाइम डिले मिल जाएगा आपको मिक्सिंग करने के लिए। अगर आपको ब्लेंडिंग करना हो तो उसमें आपको टाइम स्पेयर मिल जाता है, तो उसके लिए रिटार्डर का इस्तेमाल होता है। बट हमने अभी तक रिटार्डर का इस्तेमाल इसमें किया नहीं है। जिस किसी को भी प्रॉब्लम होती है एक्रेलिक कलर में काम करते हुए कि मिक्सिंग नहीं होती, जितने में हम कलर पैलेट में बनाते हैं उतनी देर में हमारा कैनवस पे सूख भी जाता है कलर, तो इन दैट केस आप लोग रिटार्डर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑल राइट, वेदिका इज सेइंग यूट्यूब चैनल इज बेस्ट। सर डू यू यूज एक्रेलिक? ओके, पेंसिल शेडिंग में सत्यम यस, हम वाइट बियर्ड को पेंसिल शेडिंग में एक ट्यूटोरियल लेकर आते हैं। YouTube is good. YouTube channel is best. Okay, sir. Yes, that is great. Sir, best charcoal pencil कौन सा है? All right, charcoal pencil देखो camel का भी मैंने इस्तेमाल किया है तो वो भी मुझे अच्छा लगा। और recently मैंने एक Morris का charcoal color है वो भी मैंने इस्तेमाल किया, वो भी मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। तो आप इन दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। इससे ज़्यादा मैंने कोई और तो ट्राई नहीं किया है अभी तक, लेकिन मैं ट्राई करता हूं और उसके बाद अपना रिव्यू उसमें ज़रूर आप लोगों से शेयर करूंगा कि बाकी चारकोल का वो कैसा मुझे रिव्यू लगा, फीडबैक लगा, वो मैं आप लोगों तक ज़रूर शेयर करूंगा। ऑल राइट, तो यूट्यूब में बेसिकली इसके साथ अच्छी बात यह है कि इसमें हम लोग अपने DSLR से लाइव जा सकते हैं, तो आपको कैमरा क्वालिटी जो है वो अच्छी मिल सकती है। और इंस्टाग्राम पे तो शायद खैर फोन के ही कैमरे को हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं इसका कैमरा थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, ऊपर का पार्ट काफी कट रहा है। ऑलराइट, तो इसमें ये भी अच्छी बात है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग एक बार इसे लाइक कर दें, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कराया हमें आप लोग सब्सक्राइब भी कर दें और शेयर कर देंगे तो बहुत अच्छी बात है। आप लोग शेयर करें, ऐसे जो और भी लोग कोई देखना चाहते हैं ऐसे लाइव सेशंस तो वो भी इसको अटेंड कर पाएंगे, वो भी इसे ज्वाइन कर लें। तो आप लोग जितने लोगों को शेयर कर सकते हैं प्लीज़ आप शेयर करें। अब हम लोग लाइव कर ही रहे हैं तो जितने ज़्यादा लोग इसको देख सकते हैं उतने ज़्यादा लोग देखें तो उनका ज़्यादा ही अच्छा होगा। सर आई एम फॉलोइंग यू इन इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब बट आई फील यूट्यूब स्क्रीनिंग में अच्छा है। सर यूट्यूब के लाइव सेशन में वीडियो क्वालिटी परफेक्ट आती है, सो यूट्यूब इज़ बेस्ट। सत्यम राइट, थैंक यू सत्यम एंड अदिति, थैंक यू सो मच। तो इसमें बेसिकली ये डेस्कटॉप से कनेक्ट हो जाता है और डेस्कटॉप से काफ़ी चीज़ें इसमें मिल जाती हैं हमें, तो इसमें साउंड भी काफ़ी अच्छा हो सकता है और वीडियो क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी करने के स्कोप मिल जाते हैं जो कि इंस्टाग्राम पे शायद नहीं है। उसमें हम लोग रिकॉर्डेड वीडियो तो डाल सकते हैं बट
थोड़ी सी लिमिटेशंस हो जाती है, बट उसका एक अपना एक अलग फील है, अपना एक अलग मजा है इंस्टाग्राम का। तो जो फॉलोअर्स हमारे इंस्टाग्राम पे हैं उनके लिए भी काफी अच्छा है ये। अभी तक हम लोग इंस्टा पे ही थे और इंस्टा पे काफी लाइव सेशंस किए हमने। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि जो इंस्टा पे भी लोगों को अवेयर कर सकते हैं लाइव यूट्यूब पे आने के लिए। वेदिका जैन, प्लीज नेक्स्ट डेमो ऑन व्हाइट चारकोल। ऑल राइट, तो व्हाइट चारकोल आप वेदिका कैसा चाह रहे हैं, ब्लैक शीट के ऊपर व्हाइट चारकोल? तो अगर देखा जाए तो हमने एक सेशन किया था, वो किया था ग्लास मार्किंग पेंसिल पे। तो ग्लास मार्किंग पेंसिल बेसिकली ब्लैक शीट पे हम लोग व्हाइट से काम करते हैं, तो ठीक वैसे ही चारकोल का भी होगा, व्हाइट चारकोल का, बट वो थोड़ा सा पाउडर फॉर्म में होगा। राइट, पाउडर की तरह चलता है वो, उसको स्मज कर सकते हैं हम। राइट सर, पेंसिल स्केचिंग के लिए कौन से पेपर बेस्ट हैं? मैं अभी आइवरी पेपर यूज़ कर रहा हूँ। ऑल राइट, तो इस पे आप आइवरी शीट अच्छा है पेंसिल शेडिंग के लिए डेफिनेटली, अगर आप ग्रेफाइट कर रहे हैं या चारकोल कर रहे हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा हार्ड सरफेस चाहिए तो सॉरी रफ टेक्सचर चाहिए तो उसके लिए आप लोग कोल्ड प्रेस एंड हॉट प्रेस पेपर्स आते हैं उनका यूज़ कर सकते हैं। एक पेपर आपका स्मूथ होता है और एक आपका टेक्सचर्ड होता है, तो अगर आपको टेक्सचर चाहिए तो वो यूज़ कर सकते हैं। और प्लस उसमें अच्छी बात यह है कि आपको काफ़ी बड़े साइज पे पेपर मिल जाता है, अदरवाइज कार्टेज शीट या आइवरी जनरली हमें फुल इम्पीरियल शीट मिलती है जो कि A1 साइज होता है। नाइफ से भी काफ़ी रियलिस्टिक वर्क हो रहा है। राइट, बी प्रोग्रेसिव, यस, नाइफ से भी काफ़ी रियलिस्टिक वर्क होता है लेकिन दूर से देखने पे, पास से जब हम देखेंगे तो आपको अलग ही लगेगा। मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, आपको दिखाता हूँ पास से इसका क्या व्यू है। तो ये आप देखो, बट इससे भी देखो इसका एक अलग फील है। इसमें जैसे कि हम देख रहे हैं कि टेक्सचर है और टेक्सचर आपको नजर आ रहा होगा, काफी कलर्स में एक बड़ा मजेदार फील आता है। जो इसमें आप देख रहे हैं कि कलर का उभरापन है, जो मोटे मोटे स्ट्रोक्स लगे हुए हैं, तो ये काफी मजेदार होता है डेफिनेटली। ऑन कलर शीट वाइट चारकोल, ओके वेदिका, वाइट चारकोल हम लेकर आते हैं। अभी लॉकडाउन में तो काफ़ी मटेरियल हमारा ख़त्म हो गया, हम मटेरियल में एक बार जाके काफ़ी सारे मटेरियल्स को मैं लेकर आऊँगा और फिर आप लोगों के लिए वीडियोस बनाता हूँ खूब सारी। तो मेरे को बताएं कौन कौन सी चीज़ें आप चाहते हैं। एक मेरे पास वाइट बालों के लिए रिक्वेस्ट आई है और एक आपका वाइट चारकोल के लिए है। एनीबडी एल्स आप लोग बता सकते हैं कि लाइव सेशंस लेकर आएँ या वीडियो लेकर आएँ। लाइव सेशंस की अच्छी बात यह है कि लाइव हम लोग आप लोगों के क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हैं, और रिकॉर्डेड वीडियो की अच्छी बात ये मुझे लगती है कि उसमें टाइम हम लोग सेव कर सकते हैं। जैसे कुछ चीज़ें जो चल रही हैं जिसमें कुछ बताने के लिए नहीं है, उस पर हम लोग उसको फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं और टू द पॉइंट काम की चीज़ें आपको दिखाएं, तो उससे टाइम सेव होता है सभी का, लेकिन एडिट करने में टाइम लगता है। ऑलराइट सर, आई एम मेडिकल स्टूडेंट सत्यम, ओके, नाउ इन फाइनल ईयर, क्या मैं एफ आफ्टर ग्रेजुएशन कोई BFA या आर्ट रिलेटेड कोई कोर्स कर सकता हूँ? यस सत्यम, डेफिनेटली आप कर सकते हैं। आपने मेडिकल किया हो या कुछ भी किया हो, आपका अगर इंटरेस्ट है तो देखो उसके बाद आप BFA भी कर सकते हैं, और उसके अलावा कोई कोर्स करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो बेसिकली मैं अपना एक बार बताता हूँ आपको कि BFA भी हमारे यहाँ से पॉसिबल है, प्लस आप अगर एक साल का डिप्लोमा के लिए भी जाते हैं तो प्रोफेशनल डिप्लोमा उसको भी कर सकते हैं। तो अभी तो हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू करी हैं डिप्लोमा की, और ऑफलाइन क्लासेस भी जैसे ही ये ओपन होता है तो ऑफलाइन भी आप लोग क्लासेस शुरू कर सकते हैं। तो आप लोगों को जो 1 ईयर का कोर्स है वो चाहे तो हमारी वेबसाइट पे भी देख सकते हैं। वेबसाइट का लिंक मैं आपको यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, इट्स डब्ल्यू 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 डॉट आर्टो
graphistudio.com, तो आप इस पर भी विजिट कर सकते हैं, और विजिट करके आप कोर्स कंटेंट जो है हमारा फाइन आर्ट का प्रोफेशनल का उस पर जा सकते हैं, ऑनलाइन वाले में भी जा सकते हैं और ऑफलाइन वाले में भी जा सकते हैं, दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। थोड़ा सा कोर्स में डिफरेंस है तो मैं आपको मेजरली चीज़ें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो हमारा वन ईयर का कोर्स होता है, डिप्लोमा कोर्स, प्रोफेशनल डिप्लोमा कोर्स, उसमें बेसिकली तीन टर्म्स होते हैं। पहला टर्म 3 महीने का होता है, दूसरा टर्म भी 3 महीने का है, तीसरा टर्म जो है वो 4 मंथ्स का होता है। तो इन तीन टर्म्स में हम लोग आपको जो फर्स्ट मंथ होता है उसमें आपको ब्लैक एंड वाइट पे, ड्राइंग पे, एनाटॉमी पे, बेसिकली आपको चीज़ें कैसे देखनी चाहिए, आप लाइव को कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं और उसको कैसे ड्रॉ करना चाहिए उस बारे में सिखाते हैं। और फिर सेकेंड टर्म में हम लोग बेसिकली आपको थोड़ा सा कलर मीडियम्स के साथ इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो पहला टर्म जो है 3 महीने का ब्लैक एंड वाइट चलता है और ड्राइंग्स एंड स्टडीज़ पे चलता है, काफ़ी पर्सपेक्टिव, ह्यूमन एनाटॉमी, स्टिल लाइफ, ये सब। सेकेंड टर्म में हम लोग आ जाते हैं कलर मीडियम्स में, जिसमें कि ऑयल पेस्टल है, सॉफ्ट पेस्टल्स हैं, कलर ऑयल कलर्स, सॉरी ये वाटर कलर्स हैं, ऑयल कलर्स आपके थर्ड टर्म में आता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं, आउटडोर क्लासेस होती हैं, लैंडस्केप की क्लासेस होती हैं, फ्लोरा एंड फौना की स्टडी होती है, कैसे हम लोग नेचर को स्टडी करें, तो सेकंड टर्म में कलर्ड में आता है। फिर थर्ड टर्म जो आता है उसमें हम लोग आपको दूसरे एस्पेक्ट्स भी कराते हैं, सिर्फ ड्राइंग ही नहीं, ड्राइंग के अलावा जो है डिजिटल आर्ट है, थोड़ा फोटोग्राफी है, 3D एंड एनिमेशन है, उसके बारे में भी बताते हैं, प्लस क्रिएटिवली आपको कैसे काम करना चाहिए, कैसे आप कर सकते हैं, तो उस बारे में बताते हैं, ओरिजिनल वर्क आपको कैसे करना कर सकते हैं उस बारे में चीज़ें कराई जाती है। तो थर्ड टर्म बेसिकली ये होता है, और फिर थर्ड टर्म के बाद एक एनुअल एग्जीबिशन होती है, जो भी आप लोग उस पूरे साल में सीखते हैं उस आर्ट वर्क को हम लोग दिल्ली की अच्छी गैलरी में वहाँ पे बुकिंग करके और आप लोगों के एग्जीबिशन डिस्प्ले करते हैं, जिससे कि काफ़ी लोग वहाँ पे आते हैं, देखते हैं, आपको रिव्यू मिलते हैं अपने आर्ट वर्क्स के। तो ये प्रोसीजर रहता है हमारा 1 ईयर प्रोफेशनल कोर्स के डिप्लोमा का। और आफ्टर दैट और भी सेकेंड ईयर आप करना चाहते हैं तो सेकेंड ईयर भी कर सकते हैं, सेकेंड ईयर पेंटिंग्स में जा सकते हैं, डिजिटल आर्ट में जा सकते हैं, या 3D एनिमेशन में जा सकते हैं, या फोटोग्राफी में जा सकते हैं। तो इस तरह से 1 साल 2 साल, क्योंकि जितना आप समय देते जाएंगे उतना ही आपकी नॉलेज गेन होती जाएगी, नॉलेज बढ़ती जाएगी इस चीज़ में। तो एटलीस्ट 1 साल तो आपको करना ही चाहिए, अगर आपके पास समय की कमी है तो 1 साल तो मिनिमम आपको देना चाहिए, और अगर आपके पास टाइम है तो BFA करें, ग्रेजुएशन के बाद भी BFA कर सकते हैं, राइट? ओके, इस बीच में काफ़ी सवाल और पूछे हैं किसी ने। लाइव सेशन इज़ गुड, थैंक यू, प्रोग्रेसिव लुकिंग टू गुड, काव्या थैंक यू सो मच, राइज आर्ट, ओके, रेजिन आर्ट आप कह रहे होंगे वेदिका, पेंसिल आर्ट, नेक्स्ट डेमो और वीडियो, ऑल राइट, बहुत ज़बरदस्त बन रहा है सर, आर्ट इज़ लाइफ, थैंक यू, नाइफ पेंटिंग में भी, राइट, नेक्स्ट टाइम हम लोग तलवार पेंटिंग लेकर आएंगे आज हम लोग नाइफ पेंटिंग लेकर आए, नेक्स्ट टाइम तलवार से पेंटिंग बनाएंगे, ठीक है तो कौन कौन देखना चाहेगा स्वॉर्ड पेंटिंग, तलवार पेंटिंग, थैंक यू सो मच सर, वेलकम, वेरी गुड। तो देखो थोड़ा सा मजाक भी करते रहते हैं हम लोग, सुपर, राइट, ऑल राइट। तो नेक्स्ट लाइव हम लोग किस चीज़ पे लेकर आए, लाइव रेजिन आर्ट, वेदिका अब हम लोग रेजिन आर्ट कर सकते हैं मांझी में आ चुकी है हमारे यहाँ पे, तो अब हो सकता है कि नेक्स्ट वीक हम लोग रेजिन आर्ट पे भी लाइव सेशन कर लें, तो ये अच्छी बात है, राइट, दैट इज़ गुड। तो काफ़ी बढ़िया है, देखो आप लोग आप लोग इस तरीके से अप्रिशिएट करते हैं, हमें भी काफी अच्छा लगता है, थैंक यू। तो आप में से कितने लोग ऐसा सोचते हैं, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता है कि ऑनलाइन क्लासेस में आर्ट सीख सकते हैं या नहीं सीख सकते हैं, आपका क्या ओपिनियन है इसमें, ऑनलाइन इज फाइन, कंफर्टेबल और नॉट? क्या आर्ट को ऑनलाइन सीखा जा सकता है, सीखा या सिखाया जा सकता है, आप लोगों का क्या ओपिनियन है, आप में से कोई ऐसा पर्सन है जो ऑनलाइन क्लासेस ले रहा हो कहीं से,
जहां तक मैं देख रहा हूँ कि ऑनलाइन में ऑब्वियसली जो ऑफलाइन जैसा फील तो नहीं हो सकता कि हम लोग ऑफलाइन बैठ के जो चीज़ें लेते हैं टीचर्स के सामने बैठे होते हैं वो तो नहीं हो सकता, लेकिन जब एक तो चीज़ ये है कि हमारे पास एक मजबूरी है कि हम जहाँ से भी सीखना चाहते हैं वहाँ पे जा नहीं सकते अब किसी भी वजह से। हो सकता है कि मैं अगर यूएसए से कुछ सीखना चाहता हूँ लेकिन यूएसए जा नहीं सकता, लेकिन ऑनलाइन अगर मुझे क्लासेस मिलती हैं और वो भी लाइव क्लासेस मिल जाती है तो उससे बढ़िया क्या होगा, वहाँ से काफ़ी कुछ तो सीख ही सकते हैं। और बहुत सी जगहों पर तो इस तरीके से क्लासेस होती हैं कि आपको लेक्चर ही होते हैं, आपको लेक्चर ही करना होता है, बाकी पेंटिंग होता है, बाकी उस पेंटिंग पे फीडबैक होता है। तो पेंटिंग पे फीडबैक मिलना बहुत ज़रूरी है एक आर्टिस्ट का, वो लाइव पे भी हो सकता है और ऑनलाइन पे ऑफलाइन पे दोनों में ही कहीं से भी किया जा सकता है। और मैंने जो अभी तक देखा कि हमने भी देखो लॉकडाउन के टाइम पे ऑनलाइन क्लासेस शुरू करी, हमने भी पहले नहीं देते थे, हमारे पास रिक्वेस्ट तो काफ़ी टाइम से आती थी कि सर ऑनलाइन, गुजरात में कोई पूछ रहा है बोलता है कि सर हमें ऑनलाइन क्लासेस हैं आपके यहाँ पे, पुणे से कई बार आते हैं, लेकिन उससे एक हुआ क्या कि हमने तब तो ध्यान ही नहीं दिया कि यार पता नहीं कैसे करेंगे क्या करेंगे, लेकिन जब लॉकडाउन हुआ तो कुछ था ही नहीं करने के लिए, तो एक्सप्लोर करते करते फिर हमने सोचा कि चलो अब करते हैं, ज़रा खाली तो नहीं बैठना चाहिए, ये एरिया भी हमारा एक वीक पॉइंट है, इसको भी स्ट्रॉन्ग करते हैं, चलो काफ़ी लोग पूछते थे। तो अब ऑनलाइन आने से अच्छी बात यह कि हम दूर दूर तक घर बैठे हुए लोगों तक पहुँच सकते हैं, उनको अपनी जो नॉलेज है वो शेयर कर सकते हैं, और यूट्यूब से भी तो बैठ के हम लोग काफ़ी कुछ सीखते ही थे। देखो होता क्या है ऑनलाइन में और ऑफलाइन में कि आप लोगों को इसमें खुद से ही सब कुछ करना होगा, चाहे वो आप क्लासेस रिकॉर्डेड लें या फिर लाइव सेशंस लें। और ऑफलाइन में चलो सामने बैठा हुआ है तो टीचर किसी तरह डांट डूंट के आपको बोल देगा कि करो भाई करो, पेरेंट्स से शिकायत लगा देगा, ये कर लेगा, तो इतनी देर बैठा है तो फिर एक वो है। लेकिन अगर आप सेल्फ ड्रिवन हो, अपने आप पे आपको अच्छा कंट्रोल है, आपको पता है कि मैं इन सब चीज़ों को अपने हिसाब से करा सकता हूँ, तो डेफिनेटली आप लोग ऑनलाइन भी क्लासेस को ले सकते हैं। राइट, कई लोगों ने क्वेश्चन पूछा है टेकिंग वाटर कलर क्लासेस पूजा अग्रवाल, ओके राइट थैंक यू, सीख सकते हैं बट ये उस पर्सन के हार्डवर्क पे डिपेंड करता है। यस डेफिनेटली सत्यम, ये आपने बहुत सही बात बोली है। सर पेंसिल स्केचिंग के लिए कौन सा पेपर बेस्ट है, मैं भी आइवरी पेपर यूज़ कर रहा हूँ। देखो आइवरी पेपर भी अच्छा है और आप उसके लिए कुछ टेक्सचर्ड पेपर यूज़ कर सकते हो, ब्रस्टो के आपको काफ़ी जो स्केच बुक्स हैं स्केच पैड्स हैं वो मिल जाएंगे, आप उसे ट्राई कर सकते हो पेंसिल शेडिंग के लिए, डेफिनेटली सीख सकते हैं। आर्ट इज लाइफ डेमोज में तो नो इशू, यस थैंक यू आर्ट इज लाइफ। पूजा अग्रवाल इज सेइंग वेरी नाइस अटेम्प्ट, राइट थैंक यू, यस डेफिनेटली ऑनलाइन इज गुड, काव्या इज ग्रेट, वी प्रोग्रेसिव काफ़ी हद तक सीखा जा सकता है, लेकिन मैंने फील किया है जैसे कि अगर मुझसे पेंसिल या ब्रश के स्ट्रोक्स सही से नहीं लगाने आ रहे हैं तो ऑनलाइन में टीचर को साथ के साथ नहीं पता चलेगा शोज। ऑल राइट, तो ये भी है ऐसा प्रोग्रेसिव, आपने हमारा कोई कोर्स नहीं ज्वाइन किया या किया है, विच शीट आर बेस्ट फॉर वाटर कलर, वाटर कलर के लिए देखो हैंडमेड शीट आप यूज़ कर सकते हैं, 200-300 GSM के कैंसिन के पेपर्स हैं, तो काफ़ी कुछ है जो वाटर कलर के लिए आप यूज़ कर सकते हैं फिर सेम टाइम पर। ऑल राइट, यस सर ऑनलाइन क्लास इज़ गुड बिकॉज आई एम फ्रॉम हैदराबाद एंड आई एम कनेक्टिंग विद यू विच वॉज नॉट पॉसिबल बिफोर, लाइव एनाटॉमी क्लास शायद मुश्किल हो। राइट, मेरे जैसा गरीब के लिए बहुत अच्छा होगा जो लोग इतना रुपए से बाहर जाके आर्ट क्लास ज्वाइन नहीं कर सकते। यस राकेश मंडल थैंक यू, तो देखो वही चीज़ है कि हम लोग इतने इसके हर सभी चीज़ों के अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं। राइट, तो ऑनलाइन के हमारे एक अलग एडवांटेजेस हैं प्लस जो ऑफलाइन क्लासेस होती हैं उसके अलग एडवांटेजेस हैं, तो सभी में कुछ ना प्लस माइनस तो होगा ही होगा। लेकिन हम देखें कि ऑनलाइन में
जैसे कि एक बहुत बड़ा एक जो वो मिसकंसेप्शन था कि ऑनलाइन क्लासेस ऑनलाइन नहीं सीखा जा सकता, तो वो तो अब मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऐसा है, क्योंकि हम वो प्रैक्टिकली देख पा रहे हैं। पिछले 3-4 महीने से हम लोग ऑनलाइन ही क्लासेस दे रहे हैं और बच्चों के रिजल्ट्स भी आए हैं, अच्छे आए हैं, तो ऐसा नहीं कह सकते। और उसके साथ अच्छी बात यह है कि टीचर कई बार बच्चों को लगता है कि ठीक है, लेकिन देखो मैंने तो ऐसा क्लासेस में इस तरीके से लोगों को बताया है, प्लस मैं उनके स्ट्रोक्स को भी देखने की कोशिश करता हूँ वीडियो ऑन करके कि आप लोग अपना स्ट्रोक्स दिखाएं किस तरीके से आप लोग पेंसिल मूव कर रहे हैं, लाइट शेड निकल पा रहा है नहीं निकल पा रहा, तो और उसको बहुत डिटेल में हम लोग बताने की कोशिश करते हैं। तो अभी तक तो वो चीज़ें सक्सेस रही हैं कि इस तरीके से, खास तौर पे पेंसिल में लाइट टोन चलाने में बड़ी प्रॉब्लम होती है लोगों को, तो लाइट शेड्स कैसे निकालते हैं, तो उसको काफ़ी अच्छे से जब तक वो क्लियर नहीं हुआ तब तक हम लोगों ने कोर्स को आगे नहीं बढ़ाया। तो वो चीज़ क्लियर हुई और सबने सीखा, फिर उसके बाद हम उस पर आगे चले गए, राइट। तो परशुराम सर एंड रोहित सर की वाटर कलर क्लास ले रही हूँ पूजा अग्रवाल। ओके, थैंक यू पूजा जी। सर वाटर कलर कर लिया, सही पेपर कौन सा रहेगा? ऑल राइट, देखो वाटर कलर के लिए आप लोग पेपर जो भी लो, एक मेन मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि पेपर लेते हुए आप लोग कहीं पे भी जाते हैं तो वाटर कलर की एक शीट लेके उस पर ट्रायल कर लें। आप उस पर ब्रश से हल्का सा पानी लगाएं और वो शीट फूलनी नहीं चाहिए। कई शीट क्या होती है, पानी लगाते ही वो फूलने लग जाती हैं, तो फूलने से क्या होता है कि आपका जो कलर वाटर कलर, क्योंकि जब ज़्यादा वाटर चलाएंगे तो कलर एक जगह पे इकट्ठा होने लगेगा, जहाँ से फूलेगा उठ जाएगा वहाँ से वाटर डेप्थ की तरफ आना शुरू कर देगा, जहाँ पे स्लोप होगा तो वहाँ पे पानी इकट्ठा होने लग जाएगा। तो आप ऐसा पेपर टेस्ट कर लें अगर आपको लगता है, बाकी 200-300 GSM के पेपर्स आते हैं वाटर कलर के लिए, वो आप यूज़ कर सकते हैं। कैंसन एक ब्रांड है, कैंसन की शीट्स आती हैं वाटर कलर की, वो काफ़ी अच्छी शीट्स हैं, मैंने यूज़ करी है। फेब्रियानो है, फेब्रियानो की भी शीट्स आती हैं, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज के डेट में तो बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो अच्छे अच्छे वाटर कलर के पैड्स बना रहे हैं, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ब्रस्ट्रो के जो हैंडमेड शीट्स के बंचेस हैं, पेपर्स हैं, वो यूज़ कर सकते हैं, राइट। सर आई एम मिसिंग ऑफलाइन क्लास सो मच। ऑफलाइन क्लास तो हम भी बहुत मिस कर रहे हैं यहाँ पे। अब आप लोग होते हुए भी देखो चैट पे ही तो हो, बस वैसे नहीं हो, ठीक है, तो हम आपको सिर्फ महसूस कर रहे हैं, तो आप भी ऑफलाइन क्लास को बस महसूस करें, आंख बंद करें और देखें कि हम लोग क्लास में बैठे हैं, राइट। और मेरी आवाज़ तो आप लोगों को आ ही रही होगी, तो मेरी आवाज़ से आप लोग ऑफलाइन क्लास को महसूस कर सकते हैं बस। तो हम भी काफ़ी मिस कर रहे हैं, आप देख सकते हो पीछे बैकग्राउंड में पूरा स्टूडियो जो है वो खाली ही है। तो जब आप लोग, ये नॉर्मल होगा सब सिचुएशन होपफुली, देखो दिल्ली में तो काफ़ी कंट्रोल में है और मोस्ट प्रोबली ये सितंबर से ओपन हो जाए तो हम लोग फिर आमने सामने होंगे। तो यहाँ पे लाइव तो हमें काफ़ी सारे लोग दिख रहे हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो यार लाइक भी कर दो, लाइक करने में क्यों कंजूसी कर रहे हैं। सर मैं एक मंथ से आपके साथ ज्वाइन हुआ हूँ, आपके लाइव सेशन से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। वेरी वेरी थैंक यू सर फॉर दिस ग्रेट वर्क और थैंक यू सो मच सत्यम। देखो आपके ऐसे कमेंट्स आते हैं तो हमें लगता है कि आप हमारा जो है वो सफल हो गया, हमारा जो मोटिव है वो पूरा क्लियर हो गया है। तो हमारा मोटिव यही है कि देखो आप लोगों तक, देख कुछ चीज़ें हैं कि हम लोग चार्जेस लेते हैं तो हमें पता है कि उस पर कई लोग कई बार नहीं आ सकते, नहीं ज्वाइन कर सकते के किसी भी वजह से। देखो दो चीज़ें हो सकती हैं जो लोग हमें ज्वाइन नहीं करते। पहला रीज़न तो ये है कि वो फाइनेंशियली हो सकता है कि ना वो पे कर पाए। दूसरा रीज़न हो सकता है कि उनको उतनी डिटेल में क्लासेस की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए हम लोग लाइव सेशंस पे लेकर आ जाते हैं। तो लाइव सेशंस में क्या है कि आप कोई भी आके ज्वाइन कर सकता है, आपको ना कोई रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है, ना कोई आपको फॉर्म भरने की ज़रूरत है, चाहे फ्री हो चाहे जैसा भी हो। तो हम लोगों को इस बैरियर को पूरा ख़त्म कर दिया, आप लोग लाइव आओ, जितनी देर के लिए आना है आओ जाओ, जैसे आपकी इच्छा हो, आपको अच्छा लग रहा है तो उसको कंटिन्यू करके देखते रहो, है ना। तो कोई बैरियर नहीं है, तो ये फुल इट्स अप ऑन यू कि आप इसको कैसे देखेंगे, कैसे काम करेंगे।
तो देख सकते हैं आप लोग, 44 मिनट्स हो गए हमें लाइव, और 44 मिनट्स में हमने क्या क्या चीज़ें इसमें करी हैं, कितना कुछ इसमें देखा है। तो इसका मैं एक बार और क्लोजअप कर देता हूँ कि क्लोजअप से आप लोग देख पाए कि कैसा दिख रहा है ये। राइट, तो थोड़ा सा मैं ऊपर नीचे भी इसको रोटेट कर देता हूँ। मोना अलीशा साहू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर लाइव सेशन के लिए। ऑल राइट, लाइव का टाइमिंग कब कब और कब से रहा है सर? मैं अभी आज ही ज्वाइन किया। ऑल राइट, तो हमने लाइव देखा जाए तो जगदम्ब जगदम्ब अगर लाइव हम लोग यूट्यूब पे देखा जाए तो फुल ऑन आज ही लेकर आए, और 2-3 दिन पहले मैंने एक लाइव किया था पेंसिल शेडिंग को लेके, लाइव स्टिल लाइफ को कैसे बनाया जाता है उस चीज़ को लेके किया था। तो इस पे हम कोई ऐसा नहीं है कि हम लोग एक पर्टिकुलर टाइम हमने ब्लॉक करा हुआ है और उसी पे आते हैं। हम फ्यूचर में ऐसा भी कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर एक टाइम रखें और उसमें आ जाएं, लेकिन हम जब भी अपना लाइव सेशन करते हैं तो इसमें आप लोगों को हम अपने सोशल मीडियाज पे सभी जगह पे पहले से इंटीमेट ज़रूर कर देते हैं, ताकि आप लोग अगर अपना स्केड्यूल करना हो तो उस हिसाब से स्केड्यूल कर लें। राइट, तो मैं इसको थोड़ा सा और ऊपर नीचे से दिखाता हूँ कि कैसा लग रहा है। क्लोजअप में इसको हम लोग रोटेट करके दिखाते हैं। तो ये बियर्ड वाला सेक्शन है और ये ऊपर फेस का आ गया, और ये देख सकते हो ये जो इसके बाल हैं वो ऐसे हैं। इसको थोड़ा सा और इधर भी रोटेट कर देता हूँ। अब यहां से हम लोग इसको अच्छे से देख सकते हैं। तो ये देखो, तो ये है पूरा व्यू। राइट, ओके सर, थैंक यू फॉर दिस, थैंक यू एकदम, थैंक यू सो मच। एनीथिंग एल्स आप लोग पूछना चाहें, या नेक्स्ट आप इसके बाद भी मैं इस वीडियो को अपलोड कर दूंगा और वहां पे भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं। सर इसमें ओके, रवि कुमार पूछ रहे हैं कि इसमें अभी डिटेल भी हो सकता है क्या? देखो हो सकता है, लेकिन आपको करना नहीं है इसमें, डिटेल नहीं करना है। स्पैचुला का मतलब ही है कि आप लोग उसको बोल्डली वर्क करो, आप उसको ऐसा नहीं करो कि बिल्कुल ही डिटेल में आप लोग जा रहे हो, आप उसको थोड़ा सा बोल्ड करो। ये आपको डिटेल बनाना नहीं है, ये आप रूल समझ लो इसका, कि स्पैचुला से जब आप काम करो तो डिटेल में मत जाओ, डिटेल में जाओगे तो आप उसमें फंस जाओगे, तो आपको डिटेल बनाने की जरूरत नहीं है। राइट, थैंक्स सर, दिस नाइफ पेंटिंग बहुत अच्छा बनकर आया है, टेक्सचर बहुत अच्छा है। राइट, थैंक यू अदिति। नाइफ पेंटिंग ले काफी लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो हमने सोचा चलो लाइव इसके लिए लेकर आते हैं नाइफ पेंटिंग। ऑल राइट गाइस, तो ये सेशन हमारा हो चुका है, और तो आप लोगों को और कोई फीडबैक इसमें देना हो तो दे सकते हैं, बाकी एक बार हम आर्टिस्ट से भी मिल लेते हैं, है ना? तो एक उधर किसको से थोड़ा सा इसको खिसका देना। हाँ राइट, तो ठीक है, नहीं, ठीक है। तो हेलो, यह है रोहित सर और यह है विजय सर। राइट, यह है हमारे साधु सर। ठीक है, तो ये हम 3 लोग हैं, और देखा आप लोगों ने कैसे हमने इस प्रोसेस को पूरा किया है आप लोगों के साथ साथ ही, बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ। तो इस सेशन को हम लोग एंड करते हैं,
फिर मिलते हैं आप लोगों से जल्दी, आपको जरूर इंटीमेट करेंगे. थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट. वी आर एंडिंग दिस सेशन राइट. आप लोगों ने जिसने भी हमें सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज आप लोग सब्सक्राइब करें, और लाइक लाइव लोगों से कम ही लाइक हमें दिख रहे हैं. जिसको भी ये वीडियो पसंद आया, आप लोगों ने अच्छा लगा, तो प्लीज आप लोग लाइक करें और इसे सब्सक्राइब करें राइट. थैंक यू, बाय बाय गाइस, बाय.